Hello guys, this is Navneet Mahan, Department of Agriculture and Technology. Today we are going to discuss about IPM module for maize crop. Maize crop में मक्के की फसल में IPM module किस तरह से होनी चाहिए इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे. पिछले वीडियो की तरह इसमें भी हम बात करेंगे पेस्ट वाइज एंड क्रॉप के स्टेज वाइज किस तरह से हम मैनेजमेंट प्रैक्टिस अपना सकते हैं. क्रॉप स्टेज वाइज इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट जो प्रैक्टिसेस हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं. हमें प्री सोइंग स्टेज में कुछ इंसेक्ट पेस्ट जिनके मैनेजमेंट के लिए हम प्री सोइंग स्टेज में हमें प्रैक्टिस अपनानी चाहिए वो है रेस्टिंग स्टेज ऑफ इंसेक्ट. क्योंकि जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं नेक्स्ट क्रॉपिंग सीजन के लिए क्रॉप रेस्टिव में बने हुए होते हैं, तो रेस्टिंग स्टेज उनका जो होता है हाइबरनेशन या एस्टिबिशन में जो डायपोल्स में जो इंसेक्ट होते हैं उनको नष्ट करना, फंगाई, माइसेलिया, कोइडिया, थिक वॉल्ड स्पोरेंजिया एंड अदर रेस्टिंग स्पोर्स, कुछ पैथोजन के स्टोर स्पोर्स होते हैं उनको भी हम प्री सोइंग स्टेज में नष्ट कर सकते हैं. मैनी पैथोजेंस आर इन्वॉल्व लाइक स्पीसीज ऑफ फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम इज विल्ट का पैथोजन है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, राइजोक्टोनिया सोरेनाई, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, पाइथियम, एक्रिमोनियम, इस तरह के जो पैथोजेंस हैं पेस्ट भी होते हैं वाइट ग्रेप्स एट्सेट्रा जो कि पहले से सॉइल में अवेलेबल होते हैं वहाँ पहले से सॉइल में बने रहते हैं जो सोइंग होने पे उन पर अटैक करते हैं उनके मैनेजमेंट के लिए. सबसे पहले तो हमको क्रॉप रोटेशन अपनानी चाहिए क्योंकि बहुत सारे जो पैथोजेंस होते हैं वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, उनसे बचने के लिए क्रॉप रोटेशन अपनाना काफ़ी हद तक कारगर हो सकता है क्योंकि इनका सेल्फ लाइफ जो है बिना होस्ट के बहुत ही कम होता है. विदाउट होस्ट इनकी लाइफ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, बहुत जल्दी ये नष्ट हो जाते हैं. इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि नॉन होस्ट प्लांट का बीच बीच में यूज़ कल्टीवेशन करना चाहिए. क्लीन फ्लो डाउन ऑफ क्रॉप डेब्रिज, हमें क्रॉप डेब्रिज हैं उन्हें नष्ट कर देना चाहिए, फील्ड को क्लीन रखनी चाहिए, साफ सफाई. डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप रेस्टिव, सिलेक्शन ऑफ टॉलरेंट और रेजिस्टेंस वैरायटीज, रेजिस्टेंस से टॉलरेंस वैरायटीज का सिलेक्शन करना चाहिए क्योंकि कुछ जो पैथोजेंस होते हैं उनके लिए रेजिस्टेंस वैरायटीज रिलीज हो चुके हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं. डीप समर फ्लोइंग फॉलोड बाय हेलोइंग, डीप समर फ्लोइंग भी किसी प्रकार के इंसेक्ट पेस्ट या पैथोजन के लिए काफ़ी अच्छा कारगर साबित हो सकता है. सीड या सीडलिंग स्टेज में, सीड या सीडलिंग दैट मीन सोइंग के समय में, तो सीड एंड सीडलिंग ब्लाइट ये पेस्ट है. सीड या सीडलिंग ब्लाइट वराइटीज ऑफ पैथोजेंस आर एसोसिएटेड लाइक पाइथियम फ्यूजेरियम, राइजोक्टोनिया, मैक्रोफोमिया, स्क्लोटियम, ये सारे सारे जो पैथोजेंस हैं इनके अगेंस्ट हम यूज़ कर सकते हैं. कुछ जो कारगर साबित होने वाले जो प्रैक्टिसेस हैं जस्ट लाइक यूज़ ऑफ सर्टिफाइड एंड क्लीन सीड, सर्टिफाइड सीड का ही यूज़ करना चाहिए, सर्टिफाइड एजेंसी से सीड को बाय करना चाहिए, खरीदना चाहिए. एलिमिनेट लाइट वेट चाफी इंजोर्ड सीड क्योंकि जो इंजोर्ड सीड होते हैं उसमें जो पैथोजेंस होते हैं बहुत जल्दी अटैक करते हैं, बहुत जल्दी उसमें अपना शेल्टर बनाते हैं, इसलिए इंजोर्ड सीड लाइट वेट या चाफी सीड को अलग कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए. ट्रीट सीड विथ थीरम या थायरम जस्ट लाइक फंगिसाइड से, किसी प्रकार के फंगिसाइड से हम सीड को ट्रीट कर सकते हैं. प्रॉपर सीड बेड की बनाना चाहिए. प्लांटिंग सीड इन वॉर्म फेयरली मॉइस्ट सॉयल,
जब हम सोइंग करें तो हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जो सॉयल का टेम्परेचर है 12 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव एंड फोलियर पेस्ट एंड डिसीजेज। वेजिटेटिव और फोलियर स्टेजेस में जो भी डिसीजेज और पेस्ट आते हैं, जस्ट लाइक स्टेम बोरर, एफिड, थ्रिप्स, टर्माइट या लिप ब्लाइट, मेडिस्लिप ब्लाइट या किसी प्रकार के जो रस्ट होते हैं वो, इन सभी के मैनेजमेंट के लिए हम जो इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स हैं उनको कलेक्ट करके नष्ट कर सकते हैं, उनको पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए कलेक्ट करके। उसके अलावा जो स्टेम बोरर, थ्रिप्स, एफिड्स, टर्माइट्स जैसे जो इंसेक्ट्स हैं उनके लिए हम ट्राइकोग्रामा चिरोनिस जो कि एक पैरासिटॉइड है, इसका हम मास रिलीज कर सकते हैं 1,60,000 पर हेक्टेयर की दर से। इनको सातवें और 15वें दिन प्लांटिंग के सातवें और 15वें दिन में इनको 2 बार रिलीज करना चाहिए। उसके अलावा ग्रैनुअल एप्लीकेशन ऑफ कार्बोफ्यूरॉन, कार्बोफ्यूरॉन का ग्रैनुअल एप्लीकेशन करना चाहिए क्योंकि ये जो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स हैं इसका हम यूज़ कर सकते हैं। सूट फ्लाई और थ्रिप्स के अगेंस्ट ये काफ़ी कारगर हो सकता है। इस पे कार्बोरिल 85% वेटेबल पाउडर एट द रेट ऑफ 1,764 ग्राम पर हेक्टेयर अगेंस्ट स्टेम बोयर 15 to 18 days आफ्टर जर्मिनेशन। कुछ रेजिस्टेंस वैरायटीज हैं जस्ट लाइक विवेक 21, विवेक 23, विवेक 25, ये सारे के सारे जो वैरायटीज़ हैं कर्नाटका और आंध्रा रीजन के लिए, क्योंकि कर्नाटका और आंध्रा रीजन में इसकी खेती बहुत ज़्यादा होती है इसलिए उस रीजन के लिए मक्के की वैरायटी जो है जिसको रिलीज़ किया गया है जिसका कल्टीवेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट इज बैंडेड लीफ एंड सीट ब्लाइट जो कि राइजोक्टोनिया सोलेनाई, लीफ ब्लाइट राइजोक्टोनिया सोलेनाई से होता है, इसका पैथोजन राइजोक्टोनिया सोलेनाई है। इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिप ऑफ 2 लोअर लीव्स अलोंग विथ लीफ सीट, जो निचली पत्तियां हैं 2 निचली पत्तियों को हमें नष्ट कर देना चाहिए निकाल के। सीड ट्रीटमेंट विथ ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम, हार्जेनियम से ट्राइकोडर्मा से हमको सीड ट्रीट करना चाहिए। ट्राइकोडर्मा जो है वो फंगिफेगस फंगस है जो कि फंगस को ही फीड करता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो डिसीज़ है वो है कॉमन रस्ट या पोलिसोरा रस्ट। ये पक्सिनिया स्पीसीज से जो इसका पैथोजन हुआ है पक्सिनिया स्पीसीज, इनके लिए हम स्प्रे कर सकते हैं मेनकोजेब का। मेनकोजेब एक फंगिसाइड है। मेनकोजेब 75% वेटेबल पाउडर एट द रेट ऑफ 1.5 to 2 kg पर लीटर ऑफ वाटर, इसको हम सस्पेंशन बना के सीड ट्रीट कर सकते हैं और इसको हम स्प्रे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पेस्ट इज डाउनी मिल्ड्यू, ब्राउन स्ट्राइप डाउनी मिल्ड्यू, सोरघम डाउनी मिल्ड्यू, राजस्थान डाउनी मिल्ड्यू, इस प्रकार से डाउनी मिल्ड्यू भी अलग अलग होते हैं। तो डाउनी मिल्ड्यू इनके मैनेजमेंट के लिए हमको रेनी सीजन से पहले मेज की प्लांटिंग करनी चाहिए। मेज की प्लांटिंग रेनी सीजन स्टार्ट होने से पहले या फिर जैसे ही रेनी सीजन स्टार्ट हो हमें इसका कल्टीवेशन कर देनी चाहिए। इसके अलावा कुछ रेजिस्टेंस वेराइटीज़ हैं जस्ट लाइक बायो 9636 या NCHX1280। ये जो वेराइटीज़ हैं ये पूरी तरह से रेजिस्टेंस वेराइटीज़ हैं डाउनी मिल्ड्यू के अगेंस्ट। उसके अलावा
मेज सोरघम का जो क्रॉप रोटेशन है उसको अवॉइड करना चाहिए। सोरघम डाउनी मिल्डो, क्योंकि सोरघम डाउनी मिल्डो का जो मेन होस्ट है वो सोरघम का प्लांट होता है, और इसीलिए सोरघम के जस्ट बाद मेज या मेज के जस्ट बाद सोरघम नहीं लेना चाहिए। नॉन होस्ट प्लांट्स, किसी प्रकार के लेगमिनस प्लांट्स को हम, लेगमिनस क्रॉप को हम ले सकते हैं। इसके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस वेराइटीज है, जस्ट लाइक नित्याश्री या COH M4, COH M5, DMH1, ये सारे सारे रेजिस्टेंस वेराइटीज़, इनका हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट इज़ राजस्थान डाउनी मिल्डो। राजस्थान डाउनी मिल्डो जो है, इसके लिए जो इन्फेक्टेड पार्ट्स हैं, इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स या इन्फेक्टेड प्लांट्स, उनको हमें रिमूव कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। अल्टरनेट होस्ट जस्ट लाइक हेट्रोपोगान ग्रास जो है, इसको भी फील्ड के आसपास से नष्ट कर देना चाहिए। अगर हम कहें तो क्लीन कल्टीवेशन का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट पेस्ट इज स्टॉक रोट। स्टॉक रोट जो है ये बहुत ही मेजर डिसीज़ है, जो कि लगभग हर प्रकार के पोएसी फैमिली के हर क्रॉप में इसका अटैक होता है, मेनली मेज में और गन्ने में। स्टॉक रोट जो है ये अलग अलग स्टेज में अलग अलग होते हैं, जस्ट लाइक प्री स्टॉक रोट और पोस्ट फ्लावरिंग स्टॉक रोट। ये जो प्री स्टॉक रोट जो होता है, ये बैक्टीरियल रॉट भी हो सकता है या फिर पाइथियम रॉट भी हो सकता है, दैट मीन्स फंगस की वजह से भी हो सकता है और बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है। और जो पोस्ट फ्लावरिंग स्टॉक रोट होता है वो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम की वजह से भी हो सकता है, दैट मीन्स स्टॉक रोट के जो पैथोजन हैं कुछ भी हो सकते हैं, पाइथियम हो सकते हैं, एरवेनिया बैक्टीरिया भी हो सकता है, फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्म में फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम जैसे फंगस भी हो सकते हैं। इनके कंट्रोल के लिए जो प्लांट पॉपुलेशन है, दैट मीन्स प्लांट डेंसिटी मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। प्लांटिंग स्पेस जो है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। सही स्पेसिंग पे लगाने से ही हम इन सारे डिसीज के ट्रांसमिशन से बच सकते हैं। फील्ड में ड्रेनेज की सही व्यवस्था होनी चाहिए, ड्रेनेज की फैसिलिटीज़ अच्छे से होनी चाहिए। वाटर लॉगिंग कंडीशन, किसी भी स्थिति में वाटर लॉगिंग कंडीशन हमें नहीं होने देना चाहिए। सीड को सोइंग से पहले कुछ फंगिसाइड से ट्रीट कर सकते हैं, जस्ट लाइक मेटल एक्सेल। मेटल एक्सेल जो फंगिसाइड है उससे हम सीड को ट्रीट कर सकते हैं, या फिर फोलियर स्प्रे भी हम कर सकते हैं। किसी प्रकार के विल्ट का जो सॉरी किसी प्रकार के जो रोट हैं, स्टॉक रोट, उसके लिए हमको इनके जो लक्षण है, सिम्टम्स दिखने से पहले ही तैयारी करनी चाहिए ताकि इनका अटैक ना हो, क्योंकि इनका अटैक है सिम्टम्स दिखने के बाद इनका मैनेज कर पाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, बहुत ही कठिन होता है इनका मैनेज कर पाना। इनके लिए क्रॉप रोटेशन काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। इनके अलावा चारकोल रोट और लेट विल्ट, ये दो और रोट हैं जो कि क्रॉप में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, मेज क्रॉप को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, चारकोल रोट और लेट विल्ट। चारकोल रोट जो है, इसमें पौधे के तने सड़ जाते हैं, जिसमें ब्लैक कलर के फंगस जमा हो जाते हैं। इनके लिए जो प्रीवियस क्रॉप के डेब्रीज होते हैं, दैट मीन्स क्रॉप रेसिड्यू, उनको रिमूव कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। डीप समर प्लोइंग इसके अगेंस्ट काफ़ी कारगर हो सकता है। अवॉइडिंग वाटर स्ट्रेस एट फ्लावरिंग टाइम रिड्यूस डिसीज इंसिडेंस। वाटर स्ट्रेस फ्लावरिंग टाइम में वाटर स्ट्रेस को अवॉइड करनी चाहिए, जो कि इस डिसीज़ को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। फर्टिलाइजर और मैन्योर का जो मैनेजमेंट है वो सही तरीके से करना चाहिए, बैलेंस तरीके से करना चाहिए। ए ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम
ट्राइकोडर्मा का फॉर्मुलेशन 2% वेटेबल पाउडर इन फरो एट टाइम ऑफ सोइंग प्रायर मिक्सिंग विथ FYM एट द रेट ऑफ 10 ग्राम पर kg FYM। हम ट्राइकोडर्मा को FYM के साथ मिक्स करके फील्ड में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेट विल्ट जो है ये भी फंगस से होने वाला डिसीज़ है, इसलिए इसको भी फंगिसाइड के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। मॉइस्चर स्ट्रेस को कम करना चाहिए, पोटास का अप्लाई करनी चाहिए जिससे कि प्लांट की स्टेबिलिटी बनी रहे, और उसके अलावा क्रॉप रोटेशन नॉन होस्ट प्लांट के साथ में क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए। नेक्स्ट इज सिस्ट निमेटोड। निमेटोड हेट्रोडेरा जो निमेटोड होते हैं सिस्ट निमेटोड, ये सिर्फ मेज में नहीं और भी बहुत सारे क्रॉप में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जो हेट्रोडेरा है ये मेज के साथ साथ में धान, गेहूं, सुगरकेन, सोरघम, ज्वार एट्सेट्रा को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इनके कंट्रोल के लिए हमें डीप समर प्लोइंग करनी चाहिए, क्योंकि निमेटोड जो होते हैं सोयल में ही बने हुए होते हैं, इसलिए डीप समर प्लोइंग करके छोड़ देने से ये ओपन में एक्सपोज हो जाते हैं, ओपन सन में, और ये नष्ट हो जाते हैं। यूज़ ऑफ नॉन सीरियल क्रॉप्स लाइक वेजिटेबल्स, ऑयल सीड्स एंड पल्सेस एट्सेट्रा व्हेन देयर आर 3 सीड्स पर ग्राम ऑफ सोयल। अगर इनका ये जो हेट्रोडेरा जो निमेटोड हैं उनके कंट्रोल के डीप समर प्लोइंग करना चाहिए, नॉन सीरियल क्रॉप के साथ में क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए, और रेजिस्टेंस वैराइटीज़ लाइक अगेती 71 का उपयोग कर सकते हैं, और कुछ ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स जस्ट लाइक टोबैको, मस्टर्ड केक, नीम ऑयल केक, इसका भी हम अप्लाई कर सकते हैं। कुछ जो प्लांट्स होते हैं जिनका कल्टीवेशन हम मिक्स्ड क्रॉप के रूप में हम ले सकते हैं, जो कि अदर प्रीडेटर इंसेक्ट्स होते हैं, नेचुरल एनिमीज, जो मेज के जो इंसेक्ट पेस्ट के जो नेचुरल एनिमीज होते हैं उनको अट्रैक्ट करने वाले जो प्लांट्स हैं वो हैं कॉस्मोस, सनफ्लावर, ओकरा, हिबिस्कस, मेरीगोल्ड, फैनल, कैरोट, कोरिएंडर, क्रैसेंथेमम, मस्टर्ड, रेडिस, एग्रेटम, ट्राइडेक्स प्रोकम्बेंस या फैगोपायरम और अल्फा अल्फा। इनके अलावा जो कुछ प्लांट्स हैं इंसेक्ट वाइज उसके बारे में हम बात करें तो जस्ट लाइक मेज स्टेम बोरर, चिलो पार्टिलस, इसके जो नेचुरल एनिमीज हैं ट्राइकोग्रामा चिलोनिस या कोटिसिया फ्लेविप्स, और कुछ प्रीडेटर्स जस्ट लाइक क्राइसोपरला कॉर्निया, कॉक्सिनिलिट या किंग क्रो, कॉमन मायना, वेस्प, ड्रैगन स्पाइडर, ड्रैगन फ्लाई, स्पाइडर, रोबर फ्लाई, रेडविड बर्ग, प्रेइंग मेंटिस, फायर एंट्स, बिग आइड बर्ग्स, ये सारे के सारे जो प्रीडेटर्स या पैरासिटॉइड्स हैं इनको अट्रैक्ट करने वाले या प्लांट पेस्ट को रिपेल करने वाले जो प्लांट्स हैं वो है कैरट, कैरट फैमिली के जो भी प्लांट्स होते हैं वो, या सनफ्लावर फैमिली के जो प्लांट्स हैं, या बकवीट, या अल्फा अल्फा, कॉर्न, श्रब्स, या फिर ओकरा, हिबिस्कस, ये सारे के सारे जो क्रॉप हैं इनके फ्लावर्स नेचुरल एनिमीज को अपनी तरह अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा नेक्टर रिच प्लांट विथ स्मॉल फ्लावर्स जस्ट लाइक सनफ्लावर, बकवीट एंड काउपी, ये सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो नेचुरल एनिमीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सूट फ्लाई के जो पैरासिटॉइड हैं ट्राइकोग्रामा जिनको अट्रैक्ट करने वाले जो प्लांट्स हैं वह कैरोट फैमिली के जो प्लांट्स हैं, सनफ्लावर फैमिली के, बकवीट, अल्फा अल्फा, ये नेक्टर रिच जो प्लांट्स होते हैं वो पैरासिटॉइड्स ट्राइकोग्रामा को या उनके प्रीडेटर्स क्राइसोपरला कॉर्निया, कॉक्सिनिड्स, ये सबको अट्रैक्ट करते हैं। वाइट कप के जो पैरासिटॉइड है
उनको अट्रैक्ट करने वाले प्लांट्स भी सेम हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि कैरेट फैमिली के प्लांट, सनफ्लावर फैमिली के प्लांट, बकवीट, अल्फा अल्फा, कॉर्न, सब्स, ये सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो नेचुरल इनमीज को अट्रैक्ट करते हैं और क्रॉप पेस्ट को रिपेल करने का काम करते हैं। इंसेक्ट और पैथोजेंस के अलावा नॉन इंसेक्ट पेस्ट भी मेज के फील्ड में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि चूहे, रोडेंट्स। इसमें लेजर बैंडेफुट और फील्ड माउस सबसे मेन हैं, जो कि क्रॉप को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इनका जो डैमेज करने का जो नेचर है, ये हर प्रकार के मतलब ये प्लांट के वेजिटेटिव स्टेज से लेके हार्वेस्टिंग तक हर जगह ये नुकसान पहुंचाते हैं। डैमेज एट द स्टेज ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेटिव स्टेज, प्लांट स्टेम में डैमेज बाय रोडेंट ड्यू टू इट्स स्वीट जूस एंड मेसिलेज सेक्रेशन एंड स्मूथ स्ट्रक्चर। क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं ये जूसी होते हैं, इनके स्टेम और बहुत ही स्मूथ होते हैं, चुभते नहीं, इसलिए इनको जो रोडेंट्स होते हैं फीड करते हैं इनके स्टेम को। जब इसमें कोब लग जाते हैं, भुट्टे लग जाते हैं, तब उनको भी ये जो रोडेंट्स से नुकसान पहुंचाते हैं। माइस एंड रेट्स में नेस्ट और रिसाइड ऑन प्लांट्स विथ हेल्प ऑफ कॉर्न सिल्क। ये जो कॉर्न के सिल्क को उसको ले जाके उसका अपना घोंसला बनाने का भी काम करते हैं। इनके कंट्रोल के लिए हम ट्रैपिंग का यूज़ कर सकते हैं या फिर फील्ड में फ्लडिंग कर सकते हैं, जिससे कि उनके जो बिल है उसमें पानी भर जाए और वो भाग जाए। इसके अलावा कुछ फ्यूमिगेंट्स जो है फ्यूमिगेटर की मदद से फ्यूमिगेंट्स कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ 0.005% ब्रोमोडियोलोन इन रेडी टू यूज फॉर्म, वैक्स ब्लॉक्स और लूज बेट इन पैकेट्स नियर रोडेंट्स बरो। इनका हम बेट, पोजन बेट का भी यूज कर सकते हैं। अप्लाई 2% जिंक फॉस्फाइड पोजन बेट व्हेन द रोडेंट इन्फेस्टेशन इज वेरी हाई। प्रैक्टिस प्री बेटिंग इन केस ऑफ JNP पोजन बेटिंग, डोंट अप्लाई JNP पोजन मोर देन वन टाइम इन अ क्रॉप सीजन एज रोडेंट डेवलप बेट साइनेस टू दिस पॉइजन। क्योंकि ये जो पॉइजन है उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।